वेलकम बैक इन दिस वीडियो लेक्चर। सो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट सेकंड की। सो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज करेंगे ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो इजीली समझ आ जाएं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की, और पार्ट सेकंड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे देव डायनेस्टी की। सो ये डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देव डायनेस्टी की अगर बात करें तो देव डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1171 एडी से लेकर 1371 एडी तक। ओके, सो ऑलमोस्ट 9 किंग्स ने रूल किया था इस डायनेस्टी में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा जाता है कि इस डायनेस्टी में बेसिकली हिंदू रूलर्स का एंड हुआ था। ओके, मतलब हिंदू जो रूल था वो हिंदू के राजाओं का जो रूल था इस डायनेस्टी में फाइनली ख़त्म हो गया था। इस डायनेस्टी के बाद मुस्लिम रूलर्स का जो रूलिंग पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था कश्मीर में। ओके, तो वो कैसे है, किस तरह से एंड हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो फर्स्टली बात करते हैं कि जो उस टाइम पर जो रूलर थे वो थे सुहादेव, जो रूल कर रहे थे देव डायनेस्टी में, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1301 से लेकर 1320 तक इन्होंने रूल किया बेसिकली। सो अब इनके टाइमिंग पीरियड में सुहादेव के रूलिंग टाइम पीरियड में डलूचू नाम का एक इन्वेडर ने इन्वेड किया कश्मीर में फ्रॉम बारामूला। ओके, तो उसने क्या किया बेसिकली पूरे किंगडम को तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसने सभी मैन वुमेन्स को मारना शुरू कर दिया जो भी उनके रास्ते में आते थे, इवन उसने क्रॉप्स को मतलब जलाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मतलब उसी दौरान क्या हुआ, सुहादेव जो कि किंग थे वो भाग गया किश्तवाड़। ठीक है, जब वो भाग गया देन उसके रामचंद्र जो कि उसका कमांडर चीफ था वो वहीं पे रहा बेली में, और उसने दो बंदों की हेल्प ली, एक था शामीर जो स्वात से था वेस्ट से, और एक था रिंचिन जो तिब्बत से आया था इन द ईस्ट। ओके, सो फाइनली उसके बाद क्या हुआ, रिंचिन ने क्या किया, इस कमांडर मतलब रामचंद्र जो थे उसके कमांडर, उसकी डेथ उसको मार दिया। उसको मारने के बाद उसकी बेटी थी कोटा रानी, उसके साथ शादी करके वो वहाँ का किंग बन गया। ठीक है, और जो शामीर था जो मतलब दूसरे बंदे की हेल्प ली थी रामचंद्र ने, शामीर उसका मिस्टर बन गया। ओके, तो इस तरह से रिंचन जो कि एक तिब्बतन था उस वो रूलर बन गया कश्मीर का, और उसने 1320 से लेकर 1323 एडी तक उसने रूल किया। ठीक है, बेसिकली रिंचन कौन था, रिंचन बेसिकली एक फॉरनर था जो तिब्बत से आया था और अपने देश से भागकर आया था, और रामचंद्र ने जो कि कमांडर इन चीफ थे इन्होंने उसकी हेल्प की थी, उसको यहाँ पे शरण दी थी। लेकिन एज यू नो कि उस टाइम पे यही होता था कि किसी को मारो और मार के उसकी गद्दी पर बैठ जाओ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि रिंचिन जो था वो एक एबल और फॉर साइट रूलर था, मतलब एक एबल और दूर की सोच रखने वाला रूलर था। तो मतलब अपनी सिचुएशन उसने देखा कि यार मैं एक फॉरनर हूँ और यहाँ के लोग मेजॉरिटी में या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो उसने एक चीज़ उसके दिमाग में आई कि अगर मुझे अपनी पोजिशन एज अ रूलर यहाँ पर अगर मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है तो मुझे इनमें से कुछ बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो उस चक्कर में उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कोशिश की कि वो हिंदुइज्म को मैनेज करे, मतलब हिंदू बन जाए, लेकिन हिंदू हेड जो थे उस टाइम पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उसको हिंदू रिलीजन में एडमिट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मे बी ये रिवाज नहीं है हिंदूज में कि किसी का कन्वर्जन वगैरह। ओके, सो बट उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वक्ते कश्मीर, इसके अकॉर्डिंगली रिंचिन जो है देन उसके बाद कांटेक्ट में आया बुलबुल शाह जो कि एक सूफी सेंट थे। ठीक है, और बेसिकली रिंचिन उनकी सिंपल टीचिंग के साथ मतलब सिंपल टीचिंग ऑफ इस्लाम के साथ इतना ज़्यादा इंप्रेस हुए और देन अल्टीमेटली उन्होंने इस्लाम को अपना लिया, और इस तरह से वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने कश्मीर के। ओके, और उसके बाद उनका नाम रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन, और उन्होंने जमा मस्जिद बनाई, और उसके साथ ही उन्होंने बुलबुल जो कि उनके मेंटर थे उनकी ज्यारत बनाई। ओके, देन उसके बाद रिंचिन ने अराउंड 3 साल तक रूल किया, और देन उसके बाद 1320 एडी में उनकी डेथ हो गई। ओके, उसके बाद उनकी डेथ के बाद उदायना देव
वो बैठा गद्दी पे। उदयन देव बेसिकली ब्रदर था किसका, सहदेव का, जो उस टाइम पे भाग गया था ना और किश्तवाड़ में, ये उसका भाई था। अब कोटा रानी देन मैरिड उदयना देव, मतलब कोटा रानी पहले रिंचिन की वाइफ थी, देन उसके बाद फिर वो उदयना देव की वाइफ बनी। और इस तरह से इसकी वाइफ बनने के बाद कोटा देवी जो थी वो भी रूलर बन गई कश्मीर की। ओके, सो कोटा रानी का बहुत ज़्यादा फेमस रोल रहा है इस डायनेस्टी में। क्यों? क्योंकि पहले वो अपॉइंट हुई एज अ रीजन फॉर रिंचन जंक्शन, ठीक है, मतलब रिंचन का जो भी बेटा था उसके लिए। फिर वो उसने उसने शादी की उदयना देव के साथ, मतलब बड़ों के कहने के मुताबिक, मतलब जो भी सीनियर होंगे उन्होंने कहा कि अब वो नहीं है तो ये राजा तुम इससे शादी कर लो, ठीक है। फिर वो उसकी वाइफ बनी। और बात ये थी कि सहदेव की तरह उदयना देव भी मतलब डरपोक था, और वो भी कश्मीर में भाग गया जब एक तुर्किश जिसका नाम था अचाला उसने इन्वेड किया बेली में। तो फाइनली उस टाइम पे कोटा रानी जो थी वो बेली में रहे, और उसने एक लोगों की एक ऑर्गेनाइज्ड टीम क्रिएट की, और उस तरह से उसने एक क्लेवर स्ट्रेटजीज के थ्रू उस अचाला को उसने डिफीट कर दिया और उसको मार दिया, ठीक है। और इस तरह से कोटा रानी जो थी वो अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया अपने किंगडम की। ओके, तो कोटा रानी के बेसिकली दो बेटे थे, एक रिंचिन का बेटा था जो शामीर के अंडर, मतलब शामीर के चार्ज के अंडर था, मतलब शामीर उसकी देखभाल कर रहा था, जो भी मतलब उनको पढ़ाई लिखाई या जो भी चीज़ें थी वो शामीर उसकी कर रहा था। और दूसरा जो बेटा था वो था उदयना देव का, जिसको बाटा भिक्षाना जो थे वो पढ़ा रहे थे। ओके, तो कोटा रानी बिकम द रूलर इन हर ऑन राइट एंड अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाटा भिक्षाना एज प्राइम मिनिस्टर। तो बाटा भिक्षाना जो थे, बट भिक्षाना जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया कोटा रानी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कोटा रानी ने किसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया था। देन उसके बाद कोटा रानी ने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक उसने रूल किया, 1318 AD से लेकर 1338 AD तक उन्होंने रूल किया एज अ पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पावरफुल डॉटर ऑफ रामचंद्र जो कि कमांडर इन चीफ थे शाहदेव के, उसके बाद वाइफ ऑफ रिंचिन, देन उसके बाद वाइफ ऑफ उदयना, एंड लास्ट एज अ कोटा क्यून। ओके, तो इस तरह से मतलब कोटा क्यून जो थी वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूल जो है उसने एक इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है देव डायनेस्टी में उसका। देन उसके बाद शामीर जो था बेसिकली उसने एक स्ट्रेटजीज बना के मतलब थ्रोन को सीज करना चाहा, और फिर उसने क्या किया, मतलब शामी ने एक 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 प्रोटेस्ट जो था वो स्टार्ट कर दिया, एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया आफ्टर 5 मंथ ऑफ कोटाज रूल। ओके, सो इन दिस वे मतलब वो कोटा जो थी उस चीज़ को उसने रेसिस्ट नहीं कर पाई उन ट्रबल्स के थ्रू, और फाइनली कोटा रानी जो थी मतलब डे आफ्टर अ लॉन्ग ड्रान बैटल उसके बाद वो उस चीज़ को लॉस कर गई, ठीक है, बैटल में वो लॉस कर गई, और फाइनली उसने सरेंडर किया। और उसके बाद उसको फोर्स किया गया शामीर की क्यून बनने के लिए, मतलब शामीर की वाइफ बनने के लिए उसको फोर्स किया गया, लेकिन मतलब वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। फाइनली उसने क्या किया, कमिट सुसाइड कमिट कर दिया। और इस तरह से हिंदू रूलर्स का, हिंदू रूल का कश्मीर में एंड हो गया। ओके, तो ये अब आपको पता लग गया देव डायनेस्टी बेसिकली दैट वाज द एंड ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। ओके, तो उसके बाद देव डायनेस्टी के बाद स्टार्ट हुई आपकी शामीर डायनेस्टी। ओके, जिसे जिसके फाउंडर हैं शामीर। ओके, तो फाइनली ये जो डायनेस्टी थी इसका रूलिंग पीरियड था 1339 AD से लेकर 1561 AD तक रूल किया, और ऑलमोस्ट 18 किंग्स ने रूल किया इस डायनेस्टी में। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि रिंचिन जो था बेसिकली उसने शुरुआत की थी मुस्लिम रूल की इन किश्तवाड़ में, बट वो बंदा एक्चुअल फाउंडर नहीं था, एक्चुअल कश्मीरी एक्चुअल मुस्लिम रूलर नहीं था, बिकॉज वो एक फॉरनर था। बट फाइनल एक एक्चुअल जो कश्मीरी रूल है ना वो स्टार्ट हुआ किसका, किसके साथ, शामीर के साथ। ओके, तो शामीर ने अपना रूलिंग पीरियड स्टार्ट किया 1339 AD में बाय द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है, ये एक्चुअली शामद उद्दीन लिखा हुआ है, शमसुद्दीन है ये बेसिकली, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि शामीर शाह का जो शामीर का जो नाम था वो क्या है, तो मैक्सिमम या कहीं यहाँ पे भी आप देखोगे शमसुद्दीन ही लिखा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है
फ्रॉम 1339 से, मतलब उसके बाद जो है वो सुल्तानों वाला जो पीरियड है ना वो शुरू हो गया। उसके बाद मतलब सुल्तान शमसुद्दीन ने रूल किया 1339 AD से लेकर 1348 तक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए है ना, शमसुद्दीन ने रूल किया। देन उसके बाद जमशेद इन्होंने रूल किया, देन अलाउद्दीन, उसके बाद शिहाबुद्दीन, देन कुतुबुद्दीन, देन सिकंदर, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये हायरार्की वाइज उन किंग्स की लिस्ट है जिन्होंने रूल किया। और इस रूलिंग पीरियड के दौरान AK मजुमदर के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक रिमार्क किया था, मतलब सिकंदर के रजीन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मतलब चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो है, टर्निंग पॉइंट वो आया था इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब वो किस तरह से आया था, बेसिकली क्या था कि देव डायनेस्टी तक जितने भी लास्ट रूलर रहे, चाहे वो हिंदू रूलर थे या कश्मीर मुस्लिम रूलर थे, वो उनकी उनके जो सेंटीमेंट्स थे वो लिबरल थे। मतलब वो हर एक रिलीजन को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे, उनके लिए मतलब सभी रिलीजन एक जैसे थे, और वो मैक्सिमम फोकस करते थे अपने किंगडम की मतलब उस प्रॉस्पेरिटी के लिए या पीसफुलनेस के लिए। लेकिन सिकंदर का पीरियड एक ऐसा था जिसने मतलब जिसमें उन्होंने मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए टू फॉलो इस्लामिक लॉज, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा दौर था यहाँ पर मतलब लोगों को फोर्स किया गया है कि आप जो है वो इस्लामिक लॉ को मंजूर करो, अदरवाइज उनको उनके पास सिर्फ तीन ही ऑप्शंस होते थे, डेथ, कन्वर्जन या एक्सिल। ओके, तो ये सब चीज़ें थी जो उस टाइम पे स्टार्ट हो गई। और फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने एक इस चीज़ को, इसे इस्लामिक लॉ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए उन्होंने एक ऑफिस भी बनाया था जिसका नाम था शेखुल इस्लाम, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन सा ऑफिस था। ओके, तो आफ्टर दैट सिकंदर की डेथ के बाद 1413 AD में उनकी डेथ के बाद उनका बेटा अलीशा जो था, जिसका ओरिजिनल नेम मीर खान था, वो बैठा, ठीक है। उसने 1413 AD से लेकर 1420 AD तक उसने राज किया। देन उसके बाद अलीशा जो था उसको सक्सीड किया शाही खान ने, ठीक है, जिसका जिसको सरनेम प्रोवाइड किया गया था जैनुल अबिदीन, और इसने रूल किया 1420 AD से लेकर 1470 AD तक, ठीक है। तो शाही खान जो असेंड किया थ्रोन पे, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो 1420 AD में से उसने स्टार्ट किया रूलिंग पीरियड अपना, और उसको एक टाइटल मिला था जैन अल अबिदीन, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था अपने अपने लोगों के बीच में, और उसको बड़ा शाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। उसने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेंशन जो थी वो दी एग्रीकल्चर वाली साइड, पश्मीना शॉल जो है उसी ने इस आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। उसके बाद वो मल्टी लिंग्विस्टिक जो है वो जानते थे, और ड्यूरिंग द दिस पीरियड उनके 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 पीरियड के दौरान जोना राज, जिन्होंने सेकंड पार्ट राजतरंगिणी का लिखा एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी थी उन्होंने अप टू 1458 AD तक, संस्कृत संस्कृत में। ओके, देन महाभारता रामायण राजतरंगिणी जो थी वो ट्रांसलेट हुई थी फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन हिज रिजीम, मतलब इनके टाइमिंग पीरियड में, ठीक है। शशि खान हो गया, और जिनको बड़ा शाह भी कहा जाता था, और इनको जैनल अबिदीन भी कहा जाता था, ठीक है, उनको टाइटल प्रोवाइड हुआ था। तो हिज कोट जैनल अबिदीन हिमसेल्फ लिव इन अ वेरी सिंपल लाइफ, वो इंसान जो था वो मतलब जैनुल अबिदीन जो थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे, मतलब कोई शराब शरूब या कोई वैसा नशा वगैरह नहीं, और वो पांच नवाजी मतलब बंदा था, डेली 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ लिस्ट है उन सभी रूलर्स की जिन्होंने रूल किया, ठीक है, उनके बाद। तो लास्ट वाले हम बात करते हैं, लास्ट वाले रूलर की, वो है हबीब शाह, जिनका रूलिंग पीरियड था 1557 AD से लेकर 1561 AD तक इन्होंने रूल किया। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शामिर डायनेस्टी, ठीक है। और इनके पीरियड के दौरान मुगल जो किंग है अकबर, उसने इन्वेड किया कश्मीर में, उन्हें बहुत बड़ी आर्मी भेजी अंडर कारा बहादुर, जो कि कारा बहादुर जो थे वो उस टाइम पे उनको मतलब उनकी जनरल थे उनकी आर्मी के। तो उन्होंने बहुत अकबर ने बहुत बड़ी आर्मी भेजी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मतलब
शामिल जो थे उस टाइम पे गाजी तक जो था वो चीफ मिनिस्टर था हबीब शाह का, जो कि लास्ट रूलर था शामिल डायनेस्टी का। तो इसने क्या किया, गाजी गाजी तक जो था इसने क्या किया, मुगल्स की आर्मी को राजौरी में इसने ख़त्म कर दिया, डिफीट कर दिया। और इस तरह से जो चक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। और फाइनली क्या हुआ, गाजी चक ने डिस्पोज किया हबीब खान को, मतलब निकाल दिया उसको गद्दी से और खुद जाके गद्दी पे बैठ गया। ओके, और इसको एक टाइटल दिया था नसरुद्दीन। ओके, और इसी के साथ जो शामी डायनेस्टी जो थी उसका एंड हो गया। अब शामी डायनेस्टी के बाद स्टार्ट हुआ चक डायनेस्टी, और इसके फाउंडर जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया गाजी चक जो थे वो थे। और इन्होंने 1561 AD से लेकर 63 AD तक इन्होंने रूल किया। मतलब इन्होंने अपनी ओल्ड एज में, इनको कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी से सफ़र हो गया, और इनकी जो फिगर और आई साइट जो थी वो वीक हो गई। और इसी के चलते इन्होंने क्या किया, अपने ब्रदर जो थे हसन चक, उसको गवर्नमेंट के जो टास्क थे वो उसको सौंप दिए, और उन्होंने इसको 1570 AD तक इसको कंटिन्यू रखा। ओके, तो कहा जाता है कि 1568 AD में एक शिया और सुन्नी का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हुआ कश्मीर में। और इस तरह से मतलब उस दौरान क्या हुआ, हसन अली जो थे उनको उनके थ्रोन से निकाल दिया गया, गद्दी से निकाल दिया गया। और देन उसके बाद अली शाह जो थे वो गद्दी पे आए 1570 AD में। ठीक है, तो चक्स कहा जाता है बेसिकली वो थे डार्ट्स, ठीक है, जो गिलगित हुजा एरिया के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, बाबर और हुमायूं के जो भी मतलब उसको बाबर और हुमायूं जो हथियाना चाहते थे कश्मीर को, इन लोगों ने चक्स ने उनको उनके काम में सक्सेसफुल नहीं होने दिया, उनको रिसिस्ट किया, उनको रोक दिया। ओके, सो इन 1578 AD आफ्टर द डेथ ऑफ अली शाह, अली शाह की डेथ के बाद उसका बेटा यूसुफ शाह जो था वो गद्दी पे बैठा। और यूसुफ शाह ने एक ब्यूटीफुल और चार्मिंग पॉइट्स हबा खातून के साथ शादी की, और उसके बाद उन्होंने गुलमर्ग और सोनामर्ग जैसे रिजॉर्ट हॉलीडेज को बनाया। ओके, तो उसके बाद मतलब उस बंदे ने बहुत सारे इन्फ्लुएंस जो थे एक्सपेंड किए मुगल्स के, बट फाइन मतलब सॉरी हिट ट्राइज बेस्ट वर्ड ऑफ द एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स, बट ही फाइनली स्कल्प टू दी स्पीड फोर्सेज एंड अकबर्स जनरली। ओके, सो कहा जाता है कि यूसुफ शाह ने उस टाइम पे फिर मतलब जो भी मुगल्स ने उस टाइम पे जितने भी एक्सपैंड करने चाहे या इन्फ्लुएंस करने चाहे, इस बंदे ने बहुत अपना बेस्ट दिया उस चीज़ को रोकने के लिए, बट फाइनली वो रोक नहीं पाया और अकबर की जनरल स्ट्रेटजीज के आगे। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। मतलब यूसुफ शाह जो थे उनको बिहार में बंद कर दिया गया, कैदी बना दिया गया, और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। और इस तरह से याकूब शाह जो थे उसने अपने थ्रोन के लिए बहुत लंबे टाइम तक होल्ड रखा और ट्राई किया होल्ड रखना, बट फाइनली उसकी जो फोर्सेस थी वो डिफीट हो गई मुगल आर्मी के हाथों, जो कि उस टाइम पे कासिम शाह उस मतलब उस टाइम पे मुगल्स की जो फोर्सेस थी उसको लीड कर रहे थे हरिपुरा में। और फाइनली इस तरह से मुगल रूल जो था वो स्टार्ट हुआ कश्मीर में इन 1586। ओके, सो इस तरह से चक डायनेस्टी के बाद मुगल डायनेस्टी जो थी वो पावर में आई। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में, मुगल डायनेस्टीज हो गया, देन उसके बाद मुगल डायनेस्टी के बाद अफगान आए, देन उसके बाद फिर मुगल्स आए, देन उसके बाद लास्ट में आपके सिख जो थे सिख रूल आया। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम खत्म कर देंगे सारा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंड आई होप कि मैंने जितना भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। एंड लेट्स सी एंड लेट्स वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो